जबरदस्त और हर दिल अजीज हांडी गोश्त हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मटन हांडी गोश्त। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मैंने लिया है हाफ के जी, आधा प्याली मैंने दही ली है, आधी प्याली मैंने ऑयल की ली है, या आप 6 टेबल स्पून डाल सकते हैं। दो दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए हैं, एक हरी मिर्च ली है, एक अदद मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया है, और 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का ये मैंने मोटा मोटा सा पेस्ट बना लिया है। और इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये सिर्फ इसका कलर आता है, इसमें तीखापन नहीं होता। और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, और ये साबुत जीरा, और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्चें, और 2 स्टिक्स मैंने ये दालचीनी की ले ली है, और एक बड़ी इलायची ये मैंने साबुत ले लिया है, और गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने लगे या कोई भी हांडी यूज करें तो आप देख लें कि हांडी रोगनी होनी चाहिए, इस तरह से शाइनिंग होनी चाहिए। तो इसमें हम इस हांडी में कुकिंग हो सकती है, इसके अलावा जो दूसरी हांडी होती है उसमें कुकिंग नहीं हो सकती। तो अभी मैंने फ्लेम ऑफ की हुई है और इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त में डाल रही हूँ पहले, इसमें 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और लास्ट में हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे। काटे इस तरह से काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं इसे मैंने। टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, और साथ ही अब ये प्याज भी ऐड कर दूंगी। सारे मसाले डाल रहे हैं, सिर्फ मैंने इसमें से गरम मसाला का पाउडर निकाल लिया है क्योंकि वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि हांडी के जो भी हांडी बनाए आप गरम मसाले को लास्ट में ऐड करें, क्योंकि नहीं तो आपकी हांडी का रंग खराब हो जाएगा। ये अब मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अब मैंने सारे मसाले ऐड करके इसमें पानी भी डाल दिया और सब कुछ डालकर इसका ढक्कन बंद कर दूंगी, और इसको मैं लो फ्लेम पे तकरीबन इसको हम 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। सवा घंटा हो गया है और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, गोश्त गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। अब मैं इसके पानी को बिल्कुल ड्राई करके इसको थोड़ा भूनूंगी, फिर दोबारा इसमें थोड़ा सा शोरबा सा बनाऊंगी, बहुत लाइट। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल भून गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। मैंने इसको इसलिए ज़्यादा भूना है ये देखिए कि ताकि मसाला भून जाए। अब मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा बना दूंगी, तकरीबन 1.25 गिलास पानी डालकर। तो हम आधा चम्मच इसमें जो हमने गरम मसाला डालना था वो डाल देते हैं, और साथ ही हम इसमें धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस ये एक बॉयल आ गया है, इसको मैंने सिर्फ एक ही बॉयल करना है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन गया है हमारा हांडी गोश्त, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है इसका, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।